सो जब भी आप लोग किसी भी पर्सन को इनवाइट करते होंगे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, जब भी आप जहाँ भी इनवाइट करते होंगे, तो मोस्ट ऑफ जो पर्सन होते हैं आपसे यही क्वेश्चन पुट आउट करते हैं कि भाई आखिर काम क्या करना होता है, राइट? और भी क्वेश्चंस पुट आउट करते हैं, जैसे कि बोलते हैं भाई इन्वेस्टमेंट है क्या, और बोलते हैं भाई मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, भाई ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होते हैं। बट जो एक जो मेन क्वेश्चन होता है आपका पर्सन जो ये पूछता है जब आप इन्वाइट करते हो पर्सन को, आप ये बोलता है कि भाई आखिर काम क्या करना है, मुझे शॉर्ट बता दे काम क्या करना है शॉर्टली। आप लोग सिंपली यही बोलते हो, देखो भाई मैं कॉल पर नहीं बता पाऊंगा, आपको मेरी मीटिंग पर आना पड़ेगा 20 से 25 मिनट की मीटिंग पे, आप मुझे टाइम बता दो आप आओगे या नहीं आ पाओगे। तो मोस्ट ऑफ पर्सन उसमें ना कर देते। अब मोस्ट ऑफ पर्सन इसमें ना इसलिए कर देते हैं बिकॉज आप लोग ने उनको क्लियरिटी नहीं कराई है यार, आप लोग ने उनको इस चीज़ की क्लियरिटी नहीं कराई कि आपको काम क्या करना था। सो इसलिए आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एग्जैक्टली कि आपको पर्सन को क्या जवाब देना है। एंड आज का जो वीडियो है ना बहुत कुछ आपको सिखाने वाला है, मैं जवाब के साथ साथ और भी कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। सो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक, एंड चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो टाइम को किलना करते हैं वीडियो को। आप में से बहुत से पार्टनर्स को पता ही नहीं होता है कि अगर हम किसी पर्सन को एज अ फर्स्ट टाइम इन्वाइट करते हैं या फिर हम किसी अननोन पार्टनर से बात करते हैं, फिर हम नोन से भी बात करते हैं, तो हमें उससे स्टार्टिंग में बात क्या करनी है। जो मोस्ट ऑफ पर्सन होते हैं ये बोलते हैं हाँ भाई कैसे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है भाई मेरा एक वेबिनार है आ जाना, ऐसे वैसी बात करते हैं, ठीक है। तो आपको पहले ये सब बातें नहीं करनी है, पहले आपको जानना है उसके बारे में। तो उसके लिए आपको जानना पड़ेगा फॉर्म के बारे में। फॉर्म क्या होता है? एफ मतलब होता है फैमिली। अब किसी भी पर्सन से आप जाके बात करोगे तो पहले आपको उसकी फैमिली के बारे में पूछना है, हाँ जी डियर फैमिली कैसी है आपकी, आपको पहले उसकी फैमिली के बारे में पूछना है, ठीक है। उसके बाद होता है आपका ओ मतलब ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन क्या होता है कि राइट नाउ आप वर्किंग क्या कर रहे हो और भाई कहाँ मतलब रहते हो, क्या काम करते हो राइट नाउ अभी आप, आपको उसके बारे में जानना है कि वो काम क्या करता है। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि बंदा वेला तो नहीं है, फ्री तो नहीं है, तो इसको ये जानना है कि काम क्या करते हो, ठीक है। उसके बाद होता है आपका आर। आर मतलब क्या होता है? रेस्ट टाइम। रेस्ट टाइम का मतलब आपको ये पूछना है पर्सन से और भाई आप फ्री टाइम क्या करते हो, जिससे आपको ये पता लग जाएगा बंदा ये फ्री टाइम करता क्या है, ताकि आप अपनी उसको जो अपॉर्चुनिटी आप देने जा रहे हो वो बंदा ग्रैप कर सके फ्री टाइम पे। तो वहां पर आपको एक पॉइंट भी मिल जाएगा फ्री टाइम के लिए, ठीक है। तो आर मतलब होता है आपका रेस्ट टाइम, आपको ये पूछना है कि भाई रेस्ट टाइम करते क्या हो। एंड जो लास्ट है आपका एम, सो एम मतलब होता है आपका मनी मैसेज। आप जो उसको अपॉर्चुनिटी देने आए हो, प्रोवाइड करने आए हो, आखिरकार उसको आप प्रोवाइड करनी है, आप उससे सिंपली बोल सकते हो देखो भाई सिंपल सी बात है, जैसे आप इस टाइम फ्री रहते हो, ये काम करते हो, एज अगर आप चाहो तो 2 से 3 घंटा मोबाइल को यूज़ करके आप अच्छी खासी यहाँ पर अर्निंग कर सकते हो। अब बंदा बोलेगा ठीक है भाई बता काम क्या करना है, तो आपको सिंपली ये बोलना है भाई आपके पास मोबाइल है? मोबाइल। बंदा बोलेगा हाँ भाई। अच्छा अच्छा यूट्यूब है? यूट्यूब आपके पास में? बोलेगा हाँ भाई। व्हाट्सअप यूज़ करते हो? व्हाट्सअप। बोलेगा हाँ भाई। वो चलाते हो फेसबुक? बोलेगा हाँ भाई। तो बस अगर आप ये यूट्यूब व्हाट्सअप फेसबुक और भी कुछ चलाते हो, सोशल मीडिया आप यूज़ कर लेते हो ना? बोलेगा हाँ भाई। तो अगर आप ये चीज़ों को यूज़ कर लेते हो तो ये काम आप बड़े प्यार से कर लोगे। बोलेगा भाई तुम करना क्या है? देखो भाई सिंपल सी बात है, देखो पर्सन मैं आपको बोलना चाहूँगा जितना हो सके ना सामने वाले पर्सन को, जितना हो सके सामने वाले पर्सन को प्रैक्टिकल करो उसकी लाइफ में। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा, आप प्लीज़ कॉपी में नोट डाउन कर लेना। अब जैसे जो पर्सन पूछता है भाई काम क्या करना, आप सिंपली उसको थोड़ा गाइड कर देना। देखो भाई सिंपल सी बात है यार, अगर आपने 12th भी किया होगा ना तो 12th आपने एक दिन में नहीं किया होगा डियर, वो भी करने के लिए आपको 1 साल लगा होगा, आपने एक दिन में नहीं कर लिया। अगर कोई बच्चा होता है ना पैदा होता है तो एक दिन में वो खाना नहीं खाता डियर, पहले दिन वो खाना खाना स्टार्ट नहीं करता डियर, वो माँ का दूध ही पीता है। एग्जाम्पल्स देना आप उनको, और भी बहुत एग्जांपल्स हैं डियर, कोई भी चीज़ होती है लाइफ में एकदम से नहीं हो जाती डियर, टाइम लगता है धीरे धीरे। तो देखो सेम चीज़ यही है, जो मेरा वर्क है आपको ना मैं ऑन कॉल नहीं बता पाऊंगा या फिर मैं आपको 2 मिनट में नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज जो मेरा वर्क है यहाँ पर देखो आज की डेट में डियर 10,000 रुपये कमाने के लिए लोग कितनी लाइन लगा है, बट मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि आप आराम से 2 से 3 घंटे का टाइम देके 10 से 20-30 हज़ार रुपये कैसे कमा सकते हो। तो आप मुझे बता दो कि 2 मिनट में कैसे पता लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया आप लोगों ने, यहाँ पर पर्सन को आपने प्रैक्टिकल कर दिया। आपको ये बोलना है देखो मैं भी जब इस वर्क को ज्वाइन कर रहा था ना, मेरे मन में यही क्वेश्चन था पहले दिन कि भाई काम क्या करना है, तो वही मैं आपके लिए भी कहूँगा। देखो मेरे को भी देखो पता नहीं चला था स्टार्टिंग फर्स्ट डेज में, बट जब मुझे बताया गया कि आपको ये मीटिंग लेनी है, वीडियो देखने हैं, उसके बाद में मुझे उस वीडियो में बताया गया, उसके बाद मुझे पूरे काम की क्लैरिटी हुई, कितना पैसा आता है सब मतलब पूरी चीज़ें क्लैरिटी हो गई, ठीक है। तो मैं आपको भी यही बोलूँगा कि देखो मैं सारा कुछ कॉल पर गाइड नहीं कर पाऊँगा, आपको एक 20 से 25 मिनट की मेरी मीटिंग होती है,
जहां पर मैं 700 से 800 पार्टनर को गाइड करता हूं कि कैसे आप नेक्स्ट मंथ ही 20 से 30,000 रुपए की अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर कोई भी आपका क्वेश्चन होता है तो आप फिर मुझसे क्वेरीज में पूछ सकते हो। तो डियर यहां पर आप लोगों ने क्या किया, पर्सन को एक प्रैक्टिकल कर दिया, लाइफ में प्रैक्टिकल कर दिया। पहले आपने दिया 12th का एग्जाम्पल, फिर आपने दिया बच्चे का एग्जाम्पल, फिर आपने और ऑप्शंस दे दिए, तो यहां पर पर्सन आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। देखो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग तो बहुत होती है काम क्या करने की, जो एक जो रियलिटी थी ना, मैंने आपको वो प्रैक्टिकल किया आज राइट आज के वीडियो में राइट। अगर आप लोग को पूरी तरह जानना है कि कैसे अच्छे से इनवाइट करते हैं, अगर आप लोग 10 लोग को कॉलिंग करो और 10 में से 8 से 9% आपके साथ में प्रेजेंटेशन को अटेंड करे, तो आपको ये वीडियो वॉच आउट कर लेना है राइट। तो ये वीडियो आपको एंड में मिल जाएगा। तो कैसे आपको नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रो करना है, कैसे आप फाइनेंशियल फ्री हो सकते हो, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर मुझे आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो ये रहा मेरा अकाउंट, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। सो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय।